राम राम भाई, सारा भैया ने, मैं आपका भाई कुणाल यादव। तो अभी आपने थोड़े दिन पहले अर्बन क्रूजर का रिव्यू देखा था, हाई वेरिएंट का। तो आज हम मारुति विटारा ब्रिजा का रिव्यू लेके आए हैं, बेस वेरिएंट है ये। आप तो फ्रंट प्रोफाइल देखिए आप इसकी, यहाँ पे आपको इसमें प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं और जो डे टाइम रनिंग लाइट है वो यहाँ पर मिलती है। कुछ इस प्रकार की इसकी की है मारुति की, जो आती है नॉर्मल, ठीक है भाई। और जो फॉग लैम्प है वो यहाँ पे, ये देखो भाई, ये इंडिकेटर्स है, तो फॉग लैंप यहाँ नहीं दे रखा। अब चलते हैं भाई साइड की तरफ। तो भाई ये जो अलॉय व्हील्स है ये भाई ने अलग से लगवा रखे हैं, कंपनी से ही लगवाए थे 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देके। तो 205 की चौड़ाई है, 205x60 16 इंच का अलॉय व्हील है, ठीक है भाई। तो ये अलग से हो गया। और जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको इसमें साइड मिरर्स में ही देखने को मिलेंगे, फेंडर में नहीं है, बेस वेरियंट है। तो ये आपकी साइड प्रोफाइल हो गई इसकी, ठीक है भाई। अब चलते हैं पीछे। पीछे आपको विटारा ब्रिज आगी क्रोम में मार्किंग दे देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है भाई। ये अपना सुजुकी का लोगो हो गया, वाइफर डिफोगर नहीं है, बेस वेरिएंट है। यहाँ पे बैक ब्रेक लाइट है और नीचे की तरफ आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर। अब चलते हैं भाई अंदर कार के, अंदर चेक करते हैं। तो ये देखो भाई इसका डोर ऑल ब्लैक है, यहाँ पे दिखावटी है भाई, ये वैसे कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक में ही है ये भी, सॉफ्ट मटेरियल कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया, ऑल ब्लैक कलर है ये। यहाँ पे आपको लॉक एंड लॉक के स्विच मिलते हैं, ये अपनी चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड ऑटो और ये शीशे लॉक करने के लिए। चलेते हैं भाई अंदर। तो ये अपना इसका स्टेयरिंग है, यहाँ पे भी आपको लाइट मिलती है, रात को सहूलियत हो जाती है भाई अच्छी। तो ये इसकी MID देख लो भाई, पेट्रोल है, पेट्रोल में ही आती है भाई 8,000 तक RPM मार्किंग और 220 की स्पीड, तो 7,101 किलोमीटर चल चुकी है भाई ये। यहाँ पे अपनी एवरेज 13.8 की शो कर रहा है, 185 ए रेंज हो गई, ठीक है भाई। ये अपनी ट्रिप हो गई भाई ए बी, और ये बीच में टाइम शो कर रहा है। ये देखो भाई यहाँ पे आपको दो AC वेंट देखने को मिलते हैं, कंपनी फिटेड स्टीरियो है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, यहाँ पे सिल्वर कलर की पट्टी का इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है भाई। और जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट है अर्बन क्रूजर हमने दिखाई थी, उसमें यहाँ पैटर्न का ही इस्तेमाल कर रखा था, और जो रूफ है यहाँ पे भी, तो बेस वेरियंट में वो नहीं मिलता। यहाँ पर आपको एक CD होल्डर मिलता है, कुछ भी सामान यहाँ रख सकते हैं। ये भी आपको नॉर्मल है, कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता इसमें। दो एयरबैग्स है पैसेंजर एंड ड्राइवर, वो कंपलसरी है भाई। यहाँ से आप अपने साइड मिरर्स कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, ये देखो, ठीक है भाई। स्पेस तो भाई सेम ही होगा। और जो गियर नोब है 5 स्पीड गियर के साथ आती है, ब्लैक ही है। यहाँ पे आपको ये मिलता है USB और OX ऑप्शन, ये आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, ठीक है भाई। ऐसे आपको सीट कवर्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, तो यहाँ आप अपना कुछ कप वगैरह रख सकते हैं, ग्लास वगैरह। पीछे की तरफ चलते हैं। सीट्स आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती, आगे पीछे आप कर सकते हैं। अब भाई आ चुके हैं पीछे की तरफ, तो पीछे वाला डोर भी बिल्कुल ब्लैक देखने को मिलता है पूरा, पावर विंडो यहाँ पे दी गई है। सीट भाई वही सेम कम्फर्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे की तरफ पार्सल ट्रे नहीं है, भाई से पूछेंगे, अलग से लगवानी पड़ती है, हटा रखी है कंपनी से, पता नहीं आई है या नहीं। तो कोई भी AC वेंट्स नहीं देखने को मिलते भाई इसमें। डिटेल रिव्यू चाहिए तो अर्बन क्रूजर का मैंने डाल रखा है, इसलिए भाई गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो ये देखो भाई, इतना इसमें बूट स्पेस देखने को मिलता है, काफ़ी है, सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये अपना स्पेयर टायर हो गया भाई, 205x60 16 इंची का, ये स्टील रिम देखने को मिलता है। पेट्रोल कार है भाई ये, 1.5 लीटर का इसमें इंजन आता है, जो कि 103 BHP की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। तो पावर जो है वो शुरू से ही जनरेट करता है भाई, पेट्रोल इंजन है डीजल के मुकाबले। बाकी कार चलाने में अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग वगैरह सारी चीज़, और जो बोनट है वो भी पूरा विजिबल रहता है इसमें, ठीक है भाई।
अब चल लेते हैं भाई के पास, सीधा उन्हीं के साथ मिलते हैं आपको। तो अब भाई से मिल लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम उज्जवल शर्मा है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है ब्रीजा के साथ? ब्रीजा के साथ एक्सपीरियंस बड़ा ही मजेदार है। मतलब कि अगर आपको हल्का सा आप बाहर जा रहे हो, रोड ठीक नहीं है, बड़ी आप इसे खींचम खींच लेके जा सकते हैं। कोई ब्रेकर गड्ढे या सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। कोई आपको इसमें पावर लैग लगता है? पावर लैग ऐसा तो नहीं है। हाँ ये है कि अगर मतलब कि ऑफ कोर्स कि अगर आप 6000 आरपीएम के बाद जाएंगे तो पावर लैग लगती है, बट वैसे इस प्राइस में इस उसमें जितनी इसमें फैसिलिटीज है, ऑफ रोडिंग है और इसका पावर रिकवर, मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। कितने मंथ्स हो गए आपको इसमें लिए? इसको मेरे को अब 1 साल हो जाएगा जून में भाई। एक साल हो गया आपको? हाँ। तो अब तक मतलब इसने कोई प्रॉब्लम करी हो? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं करी इसने। बिल्कुल स्मूथ, आराम से, बिल्कुल बड़ा एंजॉय आता है। अगर आप सिटी से बाहर लेके जाओगे आप इसे, अगर आप कहीं भी किसी भी अदर स्टेट जा रहे हैं, आपको एंजॉय आएगा। आपको कोई ब्रेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खींचम खींच जा सकते हैं बिल्कुल। आप मतलब पेट्रोल इंजन है ये? हाँ। तो इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आती है? इसकी सर्विस कॉस्ट अभी तो फ्री सर्विसेज ही चल रही है, 5000 पे फ्री हुई होगी। हाँ, अभी एक और फ्री है। अच्छा, एक और फ्री है जो थर्ड सर्विस है, वो भी फ्री है। तो उसके बाद ही एक्चुअल पता लगेगा। अभी तो मैं कुछ अभी आपने जो फ्री वाली करवाई थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वहाँ स्टाफ के साथ? स्टाफ के साथ अच्छा है, पिकअप कर लेते हैं फोन पे ही, उनके व्हाट्सएप पे ही ग्रुप है। अच्छा। आपको सारी सर्विसेज मतलब कि सारी जो डिटेल्स है आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। पिक एंड ड्रॉप फ्री है, आपका फ्री में पिकअप करेंगे, ड्रॉप करेंगे, सुबह लेके जाएंगे, शाम को छोड़ जाते हैं। अगर भाई कोई भाई लेना चाहे हाँ तो ले सकते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जिनका बजट है स्विफ्ट के लिए जा रहा है जो अच्छा। है वो कुछ शायद 7 लाख के आसपास है। अच्छा। और इसका जो बेस मॉडल है वो आपको 8.5 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है, फीचर्स उतने, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ सिस्टम लगा मिलता है बेस मॉडल में, बेस मॉडल में ही मिल रहा है। बस आपको इलेक्ट्रिकली वो मिल रहा है, इलेक्ट्रिक विंडो है। ठीक है, और सिर्फ आपके हाथ में म्यूजिक कंट्रोल नहीं होगा स्टीयरिंग वो में, नहीं है बस वो नहीं है, बाकी सब कुछ आपको उसी प्राइस में लगभग सारी फैसिलिटीज मिल रही है। तो आप कॉम्पैक्ट एसयूवी लीजिए, वो बेटर है इंडिया के रोड के हिसाब से। तो चलो ठीक है भाई, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।